सो गाइस आईपीएल 2021 से पहले होने वाला है मिनी ऑक्शन। और गाइस जब मिनी ऑक्शन की बात आती है तो आप हमेशा से एक चीज काफी अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि जो खिलाड़ी जो टीम की सबसे अच्छी कोर रहती है वो टीम अपना कोर संभाल के रखती है। हर साल अपने कोर के ही तहत हर टीमें काफी ज्यादा आगे जाती है। और गाइस आज की इस वीडियो में बात होने वाली है चेन्नई सुपर किंग के कोर यानी रिटेन खिलाड़ियों के बारे में। हाँ गाइस, मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था कि आखिर वो कौन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम रिलीव करती हुई नजर आने वाली है। उसके बाद हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आया कि भाई आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि वो कौन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम इस बार मिनी ऑक्शन से पहले अपने टीम में रिटेन करने वाली है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं कंफर्म बताने वाला हूं 14 खिलाड़ियों के नामों की। हाँ गाइस, मैं कंफर्म बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन से 14 खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग जिन्हें रिटेन करती हुई नजर आने वाली। एक खिलाड़ी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं। और गाइस इसीलिए ये वीडियो अभी से लेके पूरा एंड तक देखिएगा। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि हमारे रोड टू 10K सब्सक्राइबर की गाड़ी चल रही है, तो गाइस आप भी अपनी हिस्सेदारी पेश करिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बैट्समैन की। हाँ गाइस, एक बार नजर डालते हैं कि आखिर वो कौन से 5 बल्लेबाज रहने वाले हैं जो कि मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। तो गाइस उन बल्लेबाजों का नाम है फाफ डुप्लेसी, अंबती रायडू, MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड, सुरेश रैना और एन जगदीशन। तो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम अपने बतौर बल्लेबाज के तौर पे अपने टीम में रिटेन करने वाली है। यहाँ पे आप किसी भी खिलाड़ी में संदेह नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ कुछ जो लोग रहेंगे वो सिर्फ यही कहेंगे कि क्या नारायण जगदीशन रिटेन होने वाले हैं। सो गाइस आप ये अच्छी तरीके समझ जाइए कि नारायण जगदीशन एक मुकाबला खेले थे, शायद रन आउट हुए थे, 40 रन बनाए थे, काफी बेहतर टच में दिखे थे। उसके बाद भले ही एक आध दो मुकाबले फ्लॉप हुए थे लेकिन चेन्नई ने आगे देखना चाहेगी, इस साल चेन्नई ने जरूर देखते हुए नजर आने वाली है। और गाइस यही वो बल्लेबाज रहने वाले हैं जो कि इस बार मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग बढ़ते हैं ऑलराउंडर की। हाँ गाइस, सबसे अब हम फाइनली दूसरे नंबर पे बात करने वाले हैं। दूसरी जो टॉपिक हमारी बनती है वो बनती है ऑलराउंडर की। सो गाइस 4 ऑलराउंडर रहने वाले हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम इस बार मिनी ऑक्शन से पहले अपने टीम में रिटेन करते हुए नजर आने वाली है। सो गाइस एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऑलराउंडर्स रहने वाले हैं। तो गाइस उन ऑलराउंडर्स का नाम है ड्वेन ब्रावो, जडेजा, मिचेल फैक्टनर और यहाँ पे सैम करन। सो गाइस ये 4 खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग बतौर अपने टीम में ऑलराउंडर के तौर पे अपने टीम में रिटेन करने वाली है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा क्योंकि मैंने पिछले जब रिलीफ खिलाड़ियों के लिस्ट में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वहां पे मैंने मिचेल फैक्टनर का नाम दिया था और इस वजह से काफी लोग अब ये कहेंगे कि आखिर मिचेल फैक्टनर का फिर से यहाँ पे नाम क्यों आया। सो गाइस मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही कंफर्म किया था कि इनकी जो बेस प्राइस है वो महज 50 लाख रुपए है। और गाइस जिसकी बेस प्राइस सिर्फ 50 लाख रुपए रहती है वो खिलाड़ी हो सकता है कि अपने टीम से रिलीव ना किया जाए, क्योंकि गाइस 50 लाख में इन्हें मिचेल फैक्टनर जैसा हीरा खिलाड़ी है, क्योंकि गाइस ये खिलाड़ी अच्छी स्पिन भी कराते हैं और ऐसा हो सकता है कि चेपॉक के स्टेडियम में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिले। और ऐसे में अगर बात करें तो बल्लेबाजी आप इनकी अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि अगर इनके बल्ले पे बॉल आएगी तो वो मैदान ही पार करती है। और गाइस इस वजह से यहाँ पे सोच सकती है चेन्नई सुपर किंग की टीम कि इन्हें भी अपने टीम में रिटेन कर लिया जाए, क्योंकि मिचेल फैक्टनर वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं। और गाइस इसी के वजह से यही वो 4 ऑलराउंडर रहने वाले हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम इस बार मिनी ऑक्शन से पहले अपने टीम में रिटेन करती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस ये तो बात हो गई अब बैट्समैन और ऑलराउंडर की, लेकिन गाइस मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो नए ब्लॉग का चैनल है जिसपे एक वीडियो पड़ चुकी है जो कि आप बनारस की शान ट्रेड सेंटर जो कि मोदी जी ने बनवाया था, अगर उसे आप देखना चाहते हैं कि आखिर कैसा है, उसकी शान कैसी है, आप पूरी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी नीचे जाइए उसे खोलिए और वहाँ पे ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ पे लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट से आप हमारे ब्लॉग चैनल पे पहुँच जाएंगे। सो गाइस वहाँ पे जाके उसकी भी इंजॉयमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं और गाइस अब हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं बॉलर्स की। हाँ गाइस 5 बॉलर्स रहने वाले हैं जो कि रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस इस बार जो 5 बॉलर रहने वाले हैं अगर उनके हम नामों की बात करें तो उन बॉलर्स का नाम है शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, लुंगी एनगेटी, जॉस हेजलवुड और आर शाही किशोर। हाँ गाइस ये 5 खिलाड़ी रहने वाले हैं, ये 5 बॉलर्स रहने वाले हैं
जो कि रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे अगर शार्दुल ठाकुर की बात करूँ तो ये 100% कंफर्म है कि रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं, इन पे कोई भी शक नहीं है। दीपक चाहर बीफ में काफी अच्छी तरीके से आपको पता है, ये भी रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं। लुंगी एनगी जी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक साल चेन्नई ने देखेगी, क्योंकि इनका पिछले साल परफॉर्मेंस अच्छा ठीक ठाक सा निकल के आया था, काफी अच्छा नहीं कह सकते, एवरेज निकल के आया था ये मैं कह सकता हूँ। और जॉब सेजलूट की बात करूँ तो सिर्फ इक्का दुक्का मुकाबला खेलने का मौका मिला था। और गाइस इस तहत पे अगर मैं बात करूँ तो 2 करोड़ का इनका अभी फिलहाल में चेन्नई अपने 2 करोड़ रुपए दे के जॉब सेजलूट को अपनी टीम में ली है, तो इसलिए ज़्यादा इन्हें घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि जॉब सेजलूट भी धीरे धीरे करके जो कि T20 में अपनी रेट है वो बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और गाइस इस वजह से चेन्नई अपनी टीम में रखने वाली है। और यहाँ पे एक नाम आपको और देखेगा, आर शाही किशोर करके। और गाइस ये अगर बात करूँ आर शाही किशोर की, अगर मैं बात करूँ तो ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छे बॉलर रहने वाले हैं, क्योंकि ये अभी यंग है और चेन्नई का साफ प्लान है कि वो यंग खिलाड़ियों को अपनी टीम में बचा कर रखने वाली हैं। और गाइस इस वजह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आर शाही किशोर को भी अपनी टीम में चेन्नई सुपर किंग की टीम लेती हुई नज़र आने वाली है। और गाइस इस वजह से यहाँ पे मैं पूरी तरीके से फील कर चुका हूँ कि ये 5 बॉलर रहने वाले हैं जो कि इस बार मिनी ऑक्शन से पहले इन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम अपने टीम में रिटेन करती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस ये थे उन सभी बल्लेबाजों के नाम, वो सभी 14 खिलाड़ियों के नाम जो कि इस बार मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन होते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस फाइनली आप बताइए कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी रहने वाला है जिन्हें आपको लगता है कि रिलीज हो जाएगा, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और गाइस अगली वीडियो अगर आप जो बनवाना चाहते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, हमारे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है कि भाई आप अगली वीडियो इस टॉपिक बना दीजिए, हो सकती है आपकी अगली वीडियो बनके तैयार हो जाए। सो गाइस फाइनली आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो लाइफ के साथ।